यहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम एक कपल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं और थ्री फिंगर इन्हें छुपकर देख रहा होता है और इनका पीछा कर रहा होता है। वो सही मौका देखकर उसके तीर से निक को घायल कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। डारिया घबरा कर निक के पास जाती है, तभी थ्री फिंगर और एक तीर चलाता है जो निक के चेहरे के आर पार हो जाता है। अब डारिया बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगती है। वो अपनी बाइक चलाते चलाते एक नोकीली तार में फंस जाती है जिससे वो तार सीधे उसके आंखों के अंदर फंस जाती है और वो तार स्वाटूत और वनाई ने पकड़ी होती है। अब वो दोनों उस तार को उठाने लगते है जिससे डारिया दर्द से चीखने लगती है। तभी थ्री फिंगर यहाँ पर आकर डारिया का सर धड़ से अलग कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी और टोनी को। इसके अलावा इनके साथ कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। वो सब हॉपस्प्रिंग रिसोर्ट नाम की जगह पर जा रहे होते हैं। एक्चुअली डैनी ने अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसके बाद उसके पास एक लेटर आया था जिससे उसे ये पता चला था कि वो हॉपस्प्रिंग रिसोर्ट का वारिस है। अब उसे जीने के लिए नई वजह मिली थी इसलिए उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ आए थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं सैली और जैक्सन को जो कि उस रिसोर्ट के केयरटेकर थे और वो दोनों बेहद बेसब्री से डैनी का इंतजार कर रहे थे। अब वो सब रिसोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सैली और जैक्सन डैनी का वेलकम करते हैं लेकिन वो थोड़ा नाराज थे क्योंकि उन्हें लगा था कि डैनी अकेला ही आएगा लेकिन उसके दोस्त भी उसके साथ थे। अब हम देखते हैं एग्नेस नाम की एक बूढ़ी औरत को जो कि उस रिसोर्ट से चेकआउट कर रही थी लेकिन तभी कोई उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। उसी वक्त जैक्सन वहां पर पहुंच जाता है और वो उस बूढ़ी औरत के गर्दन को पकड़कर उसे मरोड़ देता है जिससे वो वहीं पर मर जाती है। यहां हमें पता चलता है कि इस रिसोर्ट में चेकआउट ऐसे ही होता है। इधर डैनी और उसके दोस्त यहां की एंटिक चीजें देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि यह सब चीजें अब डैनी की होने वाली थी। अब रात होती है और जैक्सन जंगल की ओर जा रहा होता है। यहाँ पर वो हिल्लीकर ब्रदर से मिलता है और उन पर गुस्सा करता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और इसके अलावा यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन सिबलिंग्स है यानी कि ये सारे भाई है। इसके अलावा सैली भी इन सब की बहन थी। अगली सुबह डैनी की गर्लफ्रेंड होटल में घूम रही होती है तभी उसकी नजर जैक्सन पे पड़ती है जो कि वहां का खून साफ कर रहा था और यह वही जगह थी जिस पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे डैनी के कुछ दोस्त शॉपिंग करने आए होते हैं और वहां पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहां पर बहुत से मिसिंग लोगों के पैम्पलेट लगे होते हैं। तभी वहां पर शेरिफ भी आता है और उस बोर्ड पर एक मिसिंग पैम्पलेट लगाता है और यह पैम्पलेट उसी बूढ़ी औरत का था जिसे रात को जैक्सन ने मार दिया था। इधर होटल के अंदर जैक्सन डैनी को कुछ हथियार दिखा रहा था। डैनी इन सभी हथियारों को बहुत पसंद करता है और वहां से एक क्रॉसबो उठा लेता है। जैक्सन डैनी से कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं और वो दोनों शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। अब जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था क्योंकि जैसे जैसे वो सिखा रहा था कि कैसे हिरन को मारना है वैसे ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर शेरिफ को मार रहा था। इधर डैनी हिरन को मार देता है और उसी तरह इधर थ्री फिंगर भी शेरिफ को मार देता है। इधर डैनी के दोस्त परेशान हो गए थे क्योंकि डैनी उन्हें बताकर शिकार पर नहीं गया था इसलिए डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी उसके एक दोस्त को उसे ढूंढने जंगल की तरफ भेजती है। अब उसका दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में जाता है तो वो देखता है कि कोई इंसान एक मरे हुए हिरन को कच्चा खा रहा होता है इसलिए वो बहुत डर जाता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। तभी भागते भागते उसकी डैनी से टक्कर हो जाती है और वो दोनों अपना बैलेंस खोकर ढलान से नीचे गिर जाते हैं जिससे डैनी वहां के नोकीले तारों में फंस जाता है। इसलिए उसका दोस्त मदद के लिए किसी को बुलाने जा रहा होता है तभी जैक्सन वहां आकर उनकी मदद करता है और उन्हें वापस होटल में लेकर आता है। अब सैली डैनी की जख्म साफ करती है और उसे मेडिसिन लगाकर उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी डैनी की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है जिसकी वजह से सैली बाहर जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वहां वो अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है। दरअसल डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था इसलिए उसे खुद को संतुष्ट करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था लेकिन पिछली रात उसने किसी को जान से मारा था जिससे उसे एक तरह से संतुष्टि मिल गई थी यानी इसके बाद उसे संतुष्टि के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। अब लंच करते वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे यह होटल और यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया और मैं अब यहीं रहूंगा और यहाँ की देखभाल करूंगा लेकिन बाकी सब यहाँ नहीं रुकना चाहते थे।
डैनी के दोस्तों में दो दोस्त ऐसे थे जो बहुत ही लालची थे और वो यहाँ की एंटिक और महंगी चीजों को चुराने लग जाते हैं। इसी तरह वो और चीजों की तलाश में इधर उधर चेक करते हैं। तब उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है जो उन्हें बेसमेंट तक लेकर जाता है। बेसमेंट में उन्हें बहुत ही बड़ा एंशियंट स्पा मिलता है जिसके बीच कोई इंटरकोर्स करता होगा और बाकी सब उन्हें चारों तरफ से देखा करते होंगे। जूलियन को वो जगह बहुत ही पसंद आती है और वो दोनों भी वहाँ इंटरकोर्स करने लग जाते हैं। इधर सैली ये सब छुप कर देख रही होती है। तभी हिनलिकल ब्रदर्स वहाँ आते हैं और ब्रायन के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो बहुत ही बेरहमी से जूलियन के हाथ पैर उखाड़ कर उसे मार देते हैं। इसके बाद वो ब्रायन को भी मारने लगते हैं। तभी सैली उन्हें रोक देती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसे अब ब्रायन के साथ अपनी फैंटेसी को पूरा करना था। वो उसे बेडरूम में ले जाकर सेड्यूस करने लगती है। तभी जैक्सन वहां आकर उसे रोक देता है। वो उसे डैनी के लिए प्योर रहने का कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद सैली ब्रायन को बहुत ही गम तरीके से मार देती है। इधर टोनी और डैनी का झगड़ा हो जाता है क्योंकि डैनी अब पूरी तरह से बदल चुका था। डैनी वहां से चला जाता है और जैक्सन और सैली उसे मिल जाते हैं। जैक्सन उसे बाकी फैमिली मेंबर्स को मिलवाने की बात करता है और डैनी मान जाता है। वो डैनी को चुपचाप वहां से ले जाते हैं, लेकिन विक उनकी सारी बातें सुन लेता है और उनका पीछा करता है। वो दोनों उसे एक छोटे से गांव में ले जाते हैं जहां सारे डिफॉर्म लोग रहते थे और वो डैनी की पूरी फैमिली थी। इसके बाद सैली डैनी को कुछ पीने के लिए देती है जिससे डैनी को नशा चढ़ जाता है। इसके बाद वो उसे समझाते है कि यहाँ पर तीन फैमिलीज रहती थी, द क्रेटन्स, द बॉगल्स और द हिनलिकर्स। डैनी एक हिनलिकर था। वो उसे बताते हैं कि जैसे उसके साथ उसके दोस्त आए हैं, ऐसे पहले ही उनकी फैमिली के साथ कई लोग आए थे जिसके साथ उन्होंने मेटिंग की, लेकिन उसकी वजह से उनका खून गंदा हो गया और उनकी ब्रीड कमजोर हो गई। अब वो दोबारा अपनी ब्रीड को प्योर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें डैनी की जरूरत थी क्योंकि डैनी और सैली प्योर ब्लड है और जब वो मेटिंग करेंगे तो प्योर ब्लड ही पैदा होगा। विक उनकी सारी बातें छुपकर सुन रहा था। तभी पीछे से सॉटूथ आकर उसे पकड़ लेता है। विक डैनी से मदद मांगता है लेकिन डैनी उनके वश में था और वो कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। थ्री फिंगर विक को उल्टा लटका के उसका गला काटता है और सभी फैमिली मेंबर्स अपना अपना कटोरा नीचे लगा देते है। तभी खून की कोई कमी ना हो इसलिए थ्री फिंगर उसे पूरा काट देता है और सब लोग उसका खून पीने लगते हैं। तभी एक खून से भरा कटोरा डैनी को भी लाकर दिया जाता है। डैनी उसके दोस्त का खून पी जाता है। इसके बाद उनकी सेरेमनी शुरू हो जाती है जिसमें डैनी और सैली बीच में खड़े होकर इंटरकोर्स करते हैं और बाकी सब उन्हें देखकर तालियां बजाते हैं। अगली सुबह जब डैनी वापस रिजॉर्ट पर जाता है तब उसके मुंह पर खून लगा होता है और वो तब भी नशे में था। टोनी उसे वहां से चलने के लिए कहती है लेकिन वो अब यहां से जाना नहीं चाहता, इसलिए वो उन सबको जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब वो सब किचन में जाते हैं और देखते हैं कि जैक्सन इंसानी मांस को फ्राई करके खा रहा था। ये देखकर वो सब डर के मारे चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। तभी फ्रीजर में उन्हें जूलियन का सर रखा मिलता है जिसे देखकर वो सब जल्दी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। टोनी और रॉड वहां से निकल जाते हैं लेकिन चार्ली पकड़ा जाता है। वो तीनों उसके नीचे एक पाइप डाल देते हैं और उसके अंदर पानी भरना चालू कर देते हैं। वो तब तक पानी भरते हैं जब तक उसका पेट फट नहीं जाता। अब यहाँ पर टोनी डैनी के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रॉड को वहीं छोड़कर गन लेकर टोनी को ढूंढने जाती है। इधर रॉड गलती से उनके ट्रैप में फंस जाता है और वो तीनों भाई उसे भी पकड़कर मार देते हैं। टोनी डैनी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसे सैली मिलती है। वो सैली पर हमला करती है लेकिन सैली उसे पकड़कर उसका मुंह खोलते हुए पानी में डालने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी वहां से बच के उसी का मुंह उस पानी में डालती है और उसे शूट कर देती है। तभी डैनी वहां आकर उससे गन छीन लेता है और जाकर सैली को चेक करता है। वो टोनी को वहां से निकल जाने को कहता है। तभी जैक्सन वहां आकर टोनी को पकड़ लेता है क्योंकि वो अब उनके बारे में बहुत कुछ जान गई थी, इसलिए वो उसे यहां से जाने नहीं देना चाहता। डैनी उसे कहता है कि वो उसे मारना चाहता है, इसलिए जैक्सन टोनी को छोड़ देता है और सैली के पास चला जाता है। तभी डैनी उसे वहां से भगा देता है लेकिन टोनी को भागता देखकर जैक्सन उसे पकड़ लेता है, लेकिन टोनी एक चाबी से उसके आंखें फोड़कर उसे मार देती है। अब डैनी भी टोनी के ऊपर गन तान देता है क्योंकि अब वो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। पीछे से वो तीनों भाई आ जाते हैं और अब डैनी फैमिली को चुनता है। थ्री फिंगर टोनी को मार देता है। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि डैनी अब उस होटल को चला रहा होता है और वहां पर आने वाले को वेलकम कर रहा होता है, लेकिन इस होटल की आड़ में यहाँ पर इंसानों को मारकर उन्हें खाना चालू ही था।
अब डैनी सैली को बेसमेंट में ले जाकर फिर से उसके साथ इंटरकोर्स करता है, क्योंकि उन्हें प्योर ब्रीड के लिए ट्राई करते रहना था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।